नमस्कार दोस्तों, सास होम्योपैथिक चैनल की होम रेमेडी सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे केले के कुछ घरेलू प्रयोग। केले में थायमिन, नियासिन और फॉलिक एसिड के रूप में विटामिन ए और विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा केला ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सुबह नाश्ते में यदि एक केला खा लिया जाए तो लंच तक भूख लगने की संभावना नहीं रहती। अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं तो आप केला डाइट में जरूर शामिल करें। वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में केला ही एक ऐसा फल है जो आपकी बॉडी एनर्जी को फिर से लौटाता है। केले को लेकर यह ख्याल सबके मन में आता है कि केले को पकाकर खाना चाहिए या बिना पके। कई लोग सोचते हैं कि हरा केला खाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि पीले रंग का केला खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काले रंग के धब्बे वाला केला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कौन सा केला खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बेशक पका हुआ केला खाना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। विशेषज्ञों का कहना है जब केले पर पकने के बाद काले धब्बे आने लगते हैं तो वह समय केला खाने का सबसे सही समय होता है। काले धब्बे वाले केले में कई गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। पके हुए केले में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई लोगों का मानना है कि बिना पके केला खाना सेहत के लिए अच्छा है। यह मानना भी गलत नहीं होगा कि कच्चे केले में भी कई गुण होते हैं, लेकिन कच्चा केला पचाने में थोड़ा कठिन होता है। इससे आपके पेट में सूजन हो सकती है। कच्चे केले में लो शुगर के गुण पाए जाते हैं। अगर आपको शुगर है तो कच्चा केला खाना आपके लिए गलत नहीं होगा। इसके अलावा पाचन स्वास्थ्य के लिए केले के बहुत फायदे हैं। केला फाइबर में समृद्ध होता है जो पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए भी केले के गुण देखे जा सकते हैं। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम पहुंचाकर रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। हड्डियों के लिए केला खाना बेहद फायदेमंद होता है। यह कैल्शियम से समृद्ध है और हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम की अहम भूमिका होती है। डायरिया के लिए केला कारगर औषधि है, क्योंकि केले में फाइबर होता है और फाइबर बाउल मूवमेंट को नियंत्रित कर डायरिया से निजात दिलाने में मदद करता है। एनीमिया, जो कि एक घातक बीमारी है जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आयरन और फॉलेट मुख्य भूमिका निभाते हैं। शरीर में इन दो पोषक तत्वों की कमी एनीमिया का कारण बनती है। केला, जो कि बेहद गुणकारी फल है, आयरन और फॉलेट से भरपूर होता है। एनीमिया से बचने के लिए आप अपने आहार में केले को जरूर शामिल करें। आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी केले के बहुत फायदे होते हैं। केला अन्य जरूरी पोषक तत्वों के अलावा विटामिन ए से समृद्ध होता है और विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी तत्व माना गया है। यह आंखों के रेटिना में पिगमेंट को बढ़ाने में काम करता है। आंखों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आप रोजाना केले का सेवन कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस एक आम समस्या है, जिसमें लगभग 70-80% गर्भवती महिलाएं प्रभावित होती हैं। इसका प्रभाव पूरे दिन भर रहता है। इस समस्या में महिलाएं उल्टी और मतली का सामना करती हैं। इस समस्या से छुटकारा दिलाने में यह केला अहम भूमिका निभा सकता है। केला विटामिन B6 से समृद्ध होता है, जो मॉर्निंग सिकनेस में आपको निजात दिलाने में मदद करेगा। इसके साथ ही मासिक धर्म के समय दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, दांतों की सफेदी के लिए, अनिद्रा, पेट के अल्सर में केला बहुत ही फायदेमंद होता है। केले को आंतरिक स्वास्थ्य के साथ साथ त्वचा के लिए लाभदायक माना गया है। केला त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। आंतरिक स्वास्थ्य और त्वचा को के अलावा बालों के लिए भी केला बहुत फायदेमंद है।
ये बालों का विकास करता है। बालों को मुलायम बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, मजबूत और रूखे बालों के लिए केला बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना केले खाने के फायदे। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत ही गुणकारी फल है, जिसे अपने आहार में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।